विजय जी, ये जो ये जो ये जो बात कही जा रही तो राज्यों के लेके स्तर में बात की जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बहुत पावरफुल है, और इतने पावरफुल अगर वो एक इशारा करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं कम से कम बीजेपी संबंधित राज्यों में तो नहीं हो सकती है। तो क्या कारण है कि रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं हो रहा है, और ये जो अचानक बुलडोज करने की बात अचानक हो गया, कॉम्पिटिशन शुरू हो गया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, क्योंकि जो जो कुछ भी पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो गया, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या ये विचारधारा से प्रेरित पूरी कोशिश हो रही है, या दो राज्य सरकारों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, या वाकई में जहर इतना ज्यादा फैल गया है कि प्रशासन भी ये समझता है कि इन अल्पसंख्यकों को तो यही इसका यही इलाज, इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं अगर इनसे निपटना है तो। अशोक जी, जितनी बातें आपने की वो सब थोड़ी थोड़ी सच है, जितनी बातें हमने की और हमारे जितने लोग पैनल पे बैठे हुए हैं सब लोगों ने बहुत इसको विस्तार से स्पष्ट किया। मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ, धर्म को पहले छोड़ देता हूँ, पहले बात करता हूँ। एक है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल और दूसरा है उसका पॉलिटिकल एंगल। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल और पॉलिटिकल एंगल में यह है कि जैसे यशोवर्धन साहब ने जिक्र किया कि 7 राज्यों में ये घटना हुई, उसमें से 4 राज्य बीजेपी के हैं, 3 राज्य दूसरी सरकारों के नॉन बीजेपी हैं। इसका मतलब सभी राज्य सरकारों का बर्ताव बिहेवियर एक जैसा है, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो यशोवर्धन जी ने बहुत अच्छे से किया क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये घटनाएं हमेशा होती रही हैं, आज नहीं हुई, और हम भी जानते हैं कि जिलों में बल्कि पहले ज्यादा होती थी, बीच में कम हो गई, अब फिर से होने लगी है। तो इसका मतलब इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी एक विचारधारा से खास संबंध नहीं है। यदि पहले भी इतने दंगे होते रहे, बड़े बड़े दंगे होते रहे, मैं दंगों को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ बिहेवियर को। तीसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मैं ये मानता हूँ कि जितने ऑफिसर्स होते हैं उसमें से 70% 80%, मैं 90% नहीं बोल रहा, 70% ऑफिसर चेतक होते हैं। चेतक हम राजस्थान में उनको कहते हैं जो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता है। राणा मतलब जो सरकार में बैठा हुआ है उसके इशारे से पहले वो ऑफिसर्स जो हैं मुड़ जाते हैं कि किधर जाना है, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। जैसे संजय जी कह रहे थे कि लिखित आदेश कोई नहीं दे रहा और कोई लिखित आदेश मांग भी नहीं रहा। अगर लिखित आदेश मांगे तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या जो भी मंत्री है वो कोई लिखित आदेश देगा नहीं, कोई खड़ा हो जाए अफसर तो नहीं होगा। लेकिन सभी सरकारों के पॉलिटिकल बिहेवियर यह है कि वो परवाह नहीं करते। दूसरा, जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों के साथ नहीं है, मोटे तौर पर वो सरकारों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लीडर्स के साथ है। और इसीलिए आपको ध्यान हो कि होम मिनिस्ट्री को लेकर, होम डिपार्टमेंट को लेकर बड़े झगड़े होते हैं सरकारों में भी कि किसके पास हो, क्योंकि जिसके पास अफसर है, जिसके पास यशोवर्धन जी है, सॉरी यशोवर्धन जी की बात नहीं कर रहा लेकिन आईपीएस अफसर है, उसी की दुकान है, उसी का डंडा, उसी का राज चलता है। तो ये दो एंगल है। तीसरी बात, जो पॉलिटिकल एंगल है वो मुझे लगता है कि अभी जितना बड़ा है, खासतौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं स्पेसिफिक, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका जिक्र मैंने शायद पहले भी किया था। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अब हर कोई ताकतवर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अब वो शासक लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, ताकतवर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि इस मुद्दे पर वो आपसे 2 कदम आगे। तब बुलडोजर सब जगह चलने लगी, ठीक है, और बुलडोजर जब चलती है तो वो राजा के इशारे से चलती है। अब वो खरगोन में कैसे चलेगी, उत्तर प्रदेश में कैसे चलेगी, मुंबई में कैसे चलेगी, मुंबई में भी कंगना रनौत के खिलाफ चलती है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूं कि टोटल बिहेवियर सब लोगों का एक जैसा है, और उसमें बात क्या कि हमारी सोसाइटी उसके सामने खड़ी नहीं हो रही। हमारी चिंता ये है कि हम लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, इस वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं। अब मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्य और मध्य प्रदेश में क्या झगड़ा है, कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चिंता है कि वो कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पीछे ना रह जाए। आपने इतना चला दिया बाबा का बुलडोजर तो मामा को बुलडोजर चलाना पड़ा, तो वो एक उसका पॉलिटिकल फाइट है। इस तरह की सारी बातें चल रही हैं, और वो ये साफ है कि सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसमें ये विष जिसको मैं कहता हूँ वो बढ़ता जा रहा है, और हमने उसको पॉलिटिकल से रिलीजियस एंगल पर डाल दिया। ठीक है, जब अफसर जो खराब करता है काम उस पर सोसाइटी चुप रहती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।